और बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में आगरा केनाल नहर के पास कूड़े का अंबार लगा के, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। गंदगी के चलते लोगों में बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। देखिए, इस समय हम सेक्टर 3 के गुड़गांव केनाल नहर के पास मौजूद हैं। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदगी का आलम लगा हुआ है, और रोड के किनारे यहाँ पर गंदगी इतनी है कि जो लोगों यहाँ से निकलते रहते हैं तो उनको काफ़ी बदबू यहाँ से आती, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्ण। ये गंदगी इतनी पड़ी रहती है, क्या नगर निगम सफाई कर्मचारी आते नहीं करने? आते हैं, 8-10 दिन में आते हैं एक दिन। हाँ, जब ये इतना गंद फैल रहा है, डेली की सफाई हो जाए फिर इतना गंद ना होगी। अच्छा, तो कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी होती है, इससे बदबू भी आता है, गंदगी भी है, बीमारी घर है ये। अच्छा, और बहुत तरह की दिक्कत है। तो ऐसे ही पड़ी रहती है? ऐसे पड़े रहती है 8-10 दिन तक, 8-10 दिन के बाद ही हटता है। तो यहाँ पर आवारा पशु भी आते होंगे जो इनको खाते हैं? हाँ, बहुत आते हैं। आप 2 घंटे बाद आओ, देखो यहाँ कितना पशु है। अच्छा, हाँ, दुनिया भर कपड़े रहते हैं। तो कौन फैलाता है इतनी गंदगी जो यहाँ पड़ रहते हैं? क्या नगर निगम कर्मचारी फैला के डालते हैं, या क्या खत्ता बना रखा है ये? खत्ता बना रखे हैं। अच्छा, यही डालते हैं। और गली से भी आता है, ऐसे भी आ करके डाल जाते हैं। और भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग भी है। क्या नाम अंकल जी आप? रामानगर चौबे। यहाँ से निकल रहे हो और रास्ते में इतनी गंदगी फैली हुई है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी हो रहा है, नाक में गमक जाता है। अच्छा, चलन नहीं जाने का मन नहीं करता है। हम इसे रहने वाले से ही गांव का है। अच्छा, हाँ, मगर कहने मतलब रोड हमारा यही है। हाँ, तो डेली यहीं से निकलते हो? डेली यहीं से निकलते हैं, बल्लभगढ़ जाते हैं। बल्लभगढ़ जाते हो? हाँ, डेली। तो बदबू लगातार आती है? बहुत बदबू आता है। हाँ, तो परेशानी है? परेशानी है, नाक में जाता है सर, साइकिल चलाने का दिल नहीं करता है। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब तक नगर निगम कर्मचारी इस गंदगी के जो अंबार है यहाँ से हटा पाएंगे कि नहीं। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज।